एक व्यक्ति के साथ अपराध हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ऐसी व्यवस्था हमने दी है। लेकिन यदि सही अर्थों में एक बच्चे को देखें कि वो जन्म से जिज्ञासु था, सत्यवक्ता था, अब वो 22 साल बाद कैसा हो गया है, 22 साल बाद कैसा हो गया है, अब वो जिज्ञासु है, 25 साल का युवा, अब वो जिज्ञासु है, अब एक ही जिज्ञासा है, BMW और बाजू में ऐश्वर्या राय। इसका मतलब यह हुआ केवल धन किसी तरह से इजी मनी आ जाए और किसी तरह से भोग की व्यवस्था हो जाए, अब यही जिज्ञासा है। अब वो सत्यवक्ता है, अब वो सत्यवक्ता है, झूठ बोले और चेहरे पे शिकन भी ना आए, यही योग्यता है। तो कहीं ना कहीं जिसको हमने प्रैक्टिकलिटी कहा, स्मार्ट होना कहा, उसका इतना ही मतलब है, उसका इतना ही मतलब है कि किसी भी भाषा का प्रयोग कैसे किया जाए कि सामने वाले से अपना काम निकाल लिया जाए, भाषा का प्रयोग कैसे करें कि सामने वाले से अपना काम निकाल लें, हम यहां पहुंच गए हैं। दोस्तों, अब वो सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, वो सफल होना चाहता है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, गलत सही का कोई मापदंड अब नहीं रह गया है, वो सफल होना चाहता है उसके लिए कुछ भी करना पड़े, वो न्याय का याचक है ना, वो कुल मिला के सफल होना चाहता है, उसके लिए अन्याय क्यों ना करना पड़े। दोस्तों, इस संसार में अपनी मासूमियत को बचाए रखना एक हिमालयन टास्क है। इस संसार में अपनी मासूमियत को बचाए रखना, मासूमियत वो चीज है जो हमको जन्म से मिली थी, जो सभी को मिली थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो मासूमियत कहीं खो गई। उसका कुछ हिस्सा परिवार ने ले लिया। कैसे लिया? बोले पढ़ लो, दो रोटी के लायक हो जाओगे, और इसको देखो, उसको देखो। जब भी मार्क्स आते हैं, बच्चे का रिजल्ट आता है, तो हम बच्चे से मार्क्स पूछते हैं, कितने परसेंट आए? 80%। उसके कितने आए? तुरंत अगला क्वेश्चन ये होता है कि उसका जो निकटवर्ती दोस्त है उसके कितने आए? उससे कम आए तो झंझट है, उससे ज्यादा आए तो ठीक लगता है। दोस्तों, दो रोटी के लायक हो जाने का नाम जिंदगी है, दूसरों से आगे निकल जाने का नाम सफलता है। ये हमको कहां से मिला? ये हमको अपने परिवार से मिला। यदि ये मेरी जिंदगी की फिलॉसफी है कि दो वक्त की रोटी का नाम जिंदगी है, दूसरों से आगे निकल जाना सफलता है, क्या अब मैं किसी का हो सकता हूं, किसी को अपना बना सकता हूं? हमेशा ईर्ष्या द्वेष लगा ही रहेगा। मेरी सारी पहचान किसी दूसरे के कंपैरिजन में है, और जब भी मैं किसी दूसरे के कंपैरिजन में जाता हूं, मैं कम या ज्यादा होता हूं, छोटा या बड़ा होता हूं, ईर्ष्या या द्वेष होता है, युद्ध और संघर्ष होता है। यही मेरी नियति है, मेरे अंदर भी यही है, परिवार में भी यही है, समाज में भी यही है, दो देशों के बीच में भी यही है। दूसरी धरती अभी मिली नहीं है, उसकी भी कल्पना भी हमारी स्टार वॉर्स की है। इसका मतलब है इसमें व्यक्ति गलत नहीं है, हमारा सॉफ्टवेयर ही गलत है, हमारा सॉफ्टवेयर ही अधूरा है। दोस्तों, ये आउटपुट हमको स्वीकार नहीं है, ये दोनों आउटपुट हमको स्वीकार नहीं है, ये दोनों आउटपुट ठीक नहीं है, है ना? इससे मुक्ति पाके कैसा आउटपुट हो जाए, कैसा आउटपुट हो जाए? तो जो हमारे मित्र ने कहने की कोशिश की, जो एक माँ बाप के रूप में और एक युवा के रूप में हम चाहते हैं कि मैं स्वयं के प्रति विश्वास से भर जाऊं, मैं स्वयं के प्रति विश्वास से भर जाऊं, जिंदगी जीने का आत्मविश्वास मेरे पास हो, मुझको संबंधों में तृप्ति पूर्वक जीने का, संबंधों में तृप्ति के साथ जीने का विज्ञान पता चल जाए, उसका आत्मविश्वास मुझको आ जाए, अपने परिवार में अभाव से मुक्त हो जाऊं, समृद्धि के साथ हो जाऊं, ऐसा जिंदगी, यदि ये हो गया तो एक भय मुक्त समाज के लिए मानसिकता, एक भय मुक्त समाज के लिए मानसिकता प्रदान करने का काम पूरा हो गया।